हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। तो आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसीय स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एबीसी लॉ पढ़ा था। मैंने क्या बोला, ये चैप्टर क्या है? एबीसीडी है। तो ए फोर हमने क्या पढ़ा था? एवोगैड्रोस लॉ। बी फोर हमने पढ़ा था क्या? बॉयल्स लॉ। एंड सी फोर हमने क्या पढ़ा था? चार्ल्स लॉ। अच्छे से पढ़ा था, ट्रिक के साथ पढ़ा था, आई होप आपको समझ आया होगा। और जब इन तीनों को कंबाइन कर दें तो क्या बन जाता है? एबीसी लॉ या फिर आइडियल गैस इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना। तो कल वाला आपको आई थिंक अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं किसमें? फिर आते हैं डी ई एफ में। अब डी ई एफ में क्या होगा, देखो डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है हमारे पास क्या, यहां पे डिफ्यूजन। डी का मतलब क्या है? डिफ्यूजन। फिर ई का मतलब क्या होगा? इफ्यूजन, ठीक है। अब एफ में यहां पर कोई है नहीं, तो एफ के बाद कौन आता है? जी। और जी में कौन सा आता है? ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ओके। और जी में एक और आता है, कौन सा? गे लुजैक लॉ। कौन सा आता है? गे लुजैक लॉ। तो आज हम लोग ये सब अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, पहले अच्छे से समझिए और उसके बाद अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। क्लियर है? ठीक है, चलो तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं यहां पे? डिफ्यूजन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? डिफ्यूजन। अब बात उठती है कि सर ये डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस विथ ईच अदर स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, नॉन रिएक्टिंग लेना है, ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, जब वो स्पॉन्टेनियसली आपस में मिक्स होती है तो उनकी उस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिफ्यूजन में वो जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, वो क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। यानी डिफ्यूजन होता है विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर। क्या होता है? विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर। और जो दूसरी टर्म आती है वो कौन सी है? इफ्यूजन। तो एक काम करते हैं, दोनों को डिफरेंस के रूप में ले लेते हैं, बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो डिफ्यूजन क्या होगा? इट इज द टेंडेंसी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस विद ईच अदर क्या? स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, बट विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भैया, विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, पी एक्सटर्नल, वो क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। क्या रहता है? कॉन्स्टेंट। समझ आओगे अच्छे से? कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया डिफ्यूजन। या इसका मैं एक डेफिनेशन और भी दे सकता हूं। क्या दे सकता हूं? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम लोग कौन से स्टेट की बात करें? गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल ले लो यहां पे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम ए या थ्रू ए स्मॉल होल स्पॉन्टेनियसली बट विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर। क्योंकि डिफ्यूजन की बात हो रही है ना मित्रों, विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर। तो जो दूसरी डेफिनेशन है, ध्यान से देखो क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ क्या? मॉलिक्यूल्स। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए स्मॉल होल स्पॉन्टेनियसली बट विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर। डिफ्यूजन में
एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, क्या एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लो कि ये एक रूम है, इट्स ए क्लोज रूम। ठीक है, अब इस रूम में मैंने एक इंसेंस स्टिक जला दी, ठीक है, एक अगरबत्ती मैंने जला दी। अब उस इंसेंस स्टिक को जलाने से होगा क्या कि यहां पर धुआं हो जाएगा, स्मोक हो जाएगा उसका। अब स्मोक हो जाएगा तो मैं बोल दूं कि उस स्मोक का कॉन्सेंट्रेशन इस रूम में ज्यादा होगा और इस रूम के बाहर उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, एक विंडो ओपन कर दिया। क्या कर दिया, एक विंडो, मैंने कोई प्रेशर नहीं लगाया। तो फिर क्या होगा, ये जो स्मोक है जो इस रूम में ज्यादा है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन इस रूम में ज्यादा है, वो स्मोक इस रूम से थ्रू दिस विंडो कहां जाएगा, बाहर जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। हमने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया, कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं किया, कहानी समझ आ गई। तो क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन स्पॉन्टेनियसली बट थ्रू ए स्मॉल होल। ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर, क्या बोलते हैं उसको, डिफ्यूजन बोलते हैं। कहानी समझ गए। अब बात आती है कहां पे, इफ्यूजन में। इफ्यूजन का यही डेफिनेशन है, लेकिन इफ्यूजन क्या होता है, विद एक्सटर्नल प्रेशर होता है। डिफ्यूजन और इफ्यूजन में डिफरेंस क्या है कि डिफ्यूजन में एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं करते, प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन इफ्यूजन में एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी प्रेशर वेरी करेगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, थ्रू ए स्मॉल होल स्पॉन्टेनियसली बट विद एक्सटर्नल प्रेशर। आई थिंक आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा, है ना। तो यहां पर जो पी एक्सटर्नल है वो क्या करेगा, वो वेरी करेगा, वो क्या करेगा, वेरी करेगा। यहां पे पी एक्सटर्नल है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। तो कहानी समझ आ गई, कोई इशू नहीं है ना। ठीक है, तो ये था आपका डिफ्यूजन और ये था आपका इफ्यूजन। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको उतार लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखो क्या है आगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसको मान लो मैंने स्मॉल और आर से रिप्रेजेंट कर दिया, क्यों, कैपिटल आर तो बुक हो चुका है, क्या यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, तो मैं इसको स्मॉल आर से ले लिया। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, तो देखो ध्यान से कि मान लो कोई गैसेस है, कोई क्या है, गैस है, वो क्या हो रही है, डिफ्यूज हो रही है, क्या हो रही है, डिफ्यूज। तो उस गैस ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और जितने टाइम में ट्रेवल किया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो क्या बोलेंगे, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए डिफ्यूज्ड गैस। कहानी समझ में, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए डिफ्यूज्ड गैस। अब कोई डिस्टेंस ही लेना जरूरी थोड़ी है, हम उस गैस का, डिफ्यूज गैस का वॉल्यूम भी ले सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज गैस, हम लोग डिफ्यूज गैस का वॉल्यूम भी ले सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स ऑफ डिफ्यूज गैस। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिफ्यूज गैस। अगर आपको डिस्टेंस दिया हो तो वो ले लो, अगर आपको उस गैस का वॉल्यूम दिया है कि कितनी गैस है वो डिफ्यूज हो गई, वो ले लो, या फिर उस गैस का नंबर ऑफ मोल्स दिया है डिफ्यूज गैस का, तो वो ले लो, क्या, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब देखो कैसे लिखो मैं इसको, कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है आर, इट इज इक्वल टू, सबसे पहले तो डिस्टेंस ट्रेवल में आते हैं, मान लो कि उसने एल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एल स्टैंड फॉर लेंथ, तो एल क्या है, एल ऑफ डिफ्यूज गैस।
अपॉन में क्या हो गया टी, टाइम टेकन, अपॉन में क्या हो गया टाइम टेकन, जिसको मैं क्या लिख दूं यहां पे टी से। तो आर किसके इक्वल आ गया एल, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिफ्यूज गैस अपॉन में टाइम टेकन इन अ डिफ्यूजर, क्लियर है। या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि आर इज इक्वल टू क्या हो गया वॉल्यूम किसका ऑफ डिफ्यूज गैस, वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज गैस अपॉन टी टाइम टेकन। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू बी बाय में टी, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि आर इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं एन, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफ्यूज गैस, एन क्या लिख दिया मोल्स ऑफ डिफ्यूज गैस अपॉन में क्या लिख दिया मैंने टी, अपॉन में मैंने क्या लिख दिया टी, टी का मतलब क्या हुआ टाइम टेकन। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिफ्यूज गैस और वॉल्यूम ऑफ ए डिफ्यूज गैस और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिफ्यूज गैस पर यूनिट टाइम, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन बोलेंगे। अच्छे से समझ आ गया आप लोगों को, कोई इशू नहीं है। अगर ये समझ आ गया तो उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या ग्राम फ्लो ऑफ डिफ्यूजन। उतार लो एक बार मिटा देता हूं मैं इसको, ठीक है चलो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। बड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके ऊपर तो आपको हर एक रिलेशन अच्छे से समझ आना चाहिए यहां पर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये जो ग्रैम्स लॉ है डिफ्यूजन है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपका टेम्परेचर है और प्रेशर है वो क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो क्या लिखा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, पहली बात तो ये ठीक है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब क्या होगा कि द रेट ऑफ, तो कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ किसका गैस, द रेट ऑफ फ्लो या फिर मैं क्या लिख दूं द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, किसका ऑफ द गैस, ऑफ द गैस। और अगर मॉलिक्यूलर मास लो या फिर क्या ले लो और डेंसिटी, और डेंसिटी ऑफ द गैस। तो क्या बोलता है अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर या फिर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस is inversely proportional to the square root of the molecular mass of the gas or inversely proportional to the density of the gas, ठीक है? That is, जो R है, it is equal to, ना, it is inversely proportional to the square root of molecular mass of the gas. या फिर क्या हो जाएगा? ये जो R है, it is inversely proportional to the square root of the density of the, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है समझ लोगे कोई इशू नहीं है। अब देखो ध्यान से कि हम लोग कंपैरिजन करें दो डिफरेंट गैसेस का और उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन का। तो मान लो कि जो पहली गैस है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है R1 और उस गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है क्या M1, और जो दूसरी गैस है उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है R2 और मॉलिक्यूलर मास क्या है M2। तो क्या हो जाएगा कि R1 अपॉन में R2, R1 अपॉन में R2। अब देखो इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, मान लो हमने लगा दिया K, तो R1 / R2 करेंगे तो K / K वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट। अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर यहां पे R1 लिखूं तो नीचे क्या आएगा M1, तो ये देखो R1 मैंने ऊपर लिखा है तो नीचे क्या आ गया M1, और अगर R2 नीचे है तो ऊपर क्या आ गया M2। तो R1 / R2 इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ M2 / M1, या फिर मैं क्या लिख दूं
आर वन अपॉन में आर टू इज इक्वल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ क्या डी टू बाय में डी वन, डी टू बाय में डी वन। खाली समझ आ गई। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। आप खुद एक अंदाजा लगा के देखो कि किसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, इसका मतलब गैस हैवी है, और हैवी गैस को डिफ्यूज होने में क्या लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। यानी उस गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। और जो गैस मान लो लाइट है, मान लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 2। तो अगर मॉलिक्यूलर मास कम है, ये कम है, तो आर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो गैस लाइट वेट वाली है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट होगा, और जो गैस जिसका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, हैवी है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, स्लो होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई इशू नहीं है, कर पाओगे ना, ठीक है, ओके। अच्छे से एक बार इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते चले आगे। आई होप आपको ये बड़ा अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा ना। अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन। अच्छे से पढ़ते हैं, देखो क्या मैं सारे पॉसिबिलिटी करवा देना चाह रहा हूं ताकि आपके पास में कोई भी न्यूमेरिकल आए आप इजिली कर पाओ। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन, ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किसके किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है किसके, वॉल्यूम ऑफ द डिफ्यूज गैस अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन इन डिफ्यूजिंग दैट गैस। हमने ये भी पढ़ा था, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, बात ये है कि अगर मान लो पहली कंडीशन मैं ले लेता हूं, मान लो पहली कंडीशन के लिए आर वन, आर वन किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, वी वन अपॉन में टी वन। मान लो जो एक गैस है उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने ले लिया आर वन, और उसका जो वॉल्यूम है डिफ्यूज का वो क्या ले लिया, वी वन, और टाइम क्या ले लिया, टी वन। और जो दूसरी गैस है और उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या ले लिया, आर टू, और वॉल्यूम कितना ले लिया, वी टू अपॉन में क्या हो गया, टी टू। क्लियर है। अगर अब हम लोग कंपैरिजन करें इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन का, तो क्या हो जाएगा, आर वन अपॉन में आर टू, आर वन अपॉन में आर टू किसके इक्वल आएगा, वो आएगा क्या, वी वन अपॉन टी वन अपॉन वी टू अपॉन में टी टू। क्लियर है। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं क्या, वी वन अपॉन में वी टू। अब क्या करें, ये टी टू यहां डिवाइड के ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटू टी टू अपॉन में टी वन। क्लियर है। तो सिंपल सा क्या रिलेशन है हमारे पास, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू वी वन टी टू अपॉन वी टू टी वन। अच्छे से याद रख लोगे, कोई इशू नहीं है। दूसरी बात, आर वन बाय आर टू ये किसके इक्वल है, देखो इट इज ऑल्सो इक्वल टू द क्या, रूट ऑफ एम टू बाय में एम वन, अभी पढ़ा था इससे पहले। और ये किसके इक्वल है, रूट ऑफ डी टू बाय में डी वन। यानी आपको जो भी वैल्यू दे रखी हो उसी के हिसाब से वो आपको रिलेशन क्या कर लेना है, यूज कर लेना। कहानी समझ गए, कोई इशू नहीं है। तो ये था इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं, दो पॉइंट मैं ले सकता हूं। पहला पॉइंट क्या ले लूंगा यहां पर, कि अगर मैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज वो क्या ले लू, सेम ले लू। अगर दो गैसेस हैं और उनका जो डिफ्यूज वॉल्यूम है वो सेम है, लेकिन उनको टाइम क्या लग रहा है, अलग लग रहा है। तो देखो यहां पर क्या होगा, क्या लिखूंगा यहां पे, कंपैरिजन ऑफ सेम वॉल्यूम इन डिफरेंट टाइम, इन डिफरेंट टाइम। अगर मैं ये लू तो देखो भैया क्या हो जाएगा, R1 वन बाय आर टू, आपको क्या दिया है, इसने सेम वॉल्यूम दिया है, इसका मतलब V1 V1 क्या दिया आपको, V2 दिया, ठीक है। लेकिन V1 V2 तो है लेकिन T1 T2 नहीं है, क्योंकि टाइम अलग अलग लग रहा है उन गैसेस को सेम वॉल्यूम डिफ्यूज होने में।
तो आर वन बाय आर टू क्या हो जाएगा, अब वी वन से वी टू तो कैंसिल हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, टी टू बाय में टी वन के इक्वल आ गया। बड़ा सिंपल था, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं ये इसके इक्वल हो गया रूट ऑफ एम टू बाय में एम वन, या फिर रूट ऑफ डी टू बाय में डी वन। बड़ा सिंपल सा था। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि दो गैसेस का सेम वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है, एक गैस का मान लो 3 मिनट में, दूसरी गैस का मान लो 6 मिनट में, तो उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का आप रेशो निकाल सकते हो क्या, टी टू बाई टी वन 6/3 कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, 2:1 करो। अब देखो दूसरी कंडीशन में क्या लगा दूं, दूसरी कंडीशन में यह लगा दूं कि दो गैसेस को हमने डिफ्यूज करवाया सेम टाइम के लिए, लेकिन उनका जो डिफ्यूज वॉल्यूम है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। अब देखो ठीक है, अगर सेम टाइम हो, सेम टाइम ठीक है, बट डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज्ड गैस, अगर कुछ ये कंडीशन हो तो क्या काम करें, टाइम सेम होने का मतलब क्या है, T1 इक्वल टू क्या हो गया, T2 हो गया, ये हो गया। तो R1 by R2 किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पर R1 by में R2 किसके इक्वल हो जाएगा। अब एक काम करो, T2 by T1 टाइम तो सेम लिया, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये V1 by में V2, ओके। और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है रूट ऑफ M2 by में M1, या फिर इक्वल है रूट ऑफ D2 by में D1। मैंने फिर बोला है जैसी कंडीशन देंगे उसी हिसाब से हम लोग फॉर्मूला को क्या कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मॉडिफाई। तो ये खाली आपको अच्छे से समझ आ गई, कोई इशू नहीं है, एक बार इसको उतार लो, फिर आगे थोड़ा सा चलते हैं, एक थर्ड पॉइंट और कर लेते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसको मिटा दूंगा एक बार, ठीक है, एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं हम लोग यहां पर, क्या थर्ड पॉइंट क्या ले लूं मैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डिफ्यूजन, ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन इस पर डिपेंड करेगा प्रेशर पे, अगर आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, हालांकि उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो, लेकिन अगर मैं इसको एक बार डिफ्यूजन बोलूं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूं कि जो R है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, क्लियर है। बट एक बात हमने और भी पढ़ा है, बट R क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ M, ये भी पढ़ा है, या फिर मैं क्या लिख दूं कि R है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ D, पढ़ा ना, तो इनको कंबाइन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ M, ठीक है। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि R है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ D। अच्छे से कर लोगे दोनों को, ठीक है, कोई इशू नहीं है, पक्का। तो अभी एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, तो एक बार हम लोग एक काम करते हैं कि सारे जितने भी हमने फॉर्मूला बनाए हैं उन सबको एक बार हम लोग साइड में लिख देते हैं, क्लियर है, ओके, रटना नहीं है, बड़ा समझ के इजी वैसे करना है, ठीक है। चलो तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पहला पढ़ा है क्या कि जो R है वो क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एम, और क्या पढ़ा है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है, हमने ये चीज पढ़ी है। फिर हमने ये भी पढ़ा है क्या कि जो आर वन बाय आर टू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट ऑफ एम टू बाय में एम वन, या फिर रूट ऑफ डी टू बाय में डी वन, ये भी पढ़ा है। फिर अगर मान लो हम लोग क्या बोले कि जो R है वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम अपॉन में टाइम टेकन है, वॉल्यूम अपॉन में टाइम टेकन है, तो फिर R1 अपॉन में R2 कितना हो जाएगा, V1 अपॉन में V2 इनटू में क्या है, T2 अपॉन में T1, ये भी पढ़ा हम लोगों ने। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि अगर वॉल्यूम सेम हो, वॉल्यूम क्या हो जाए, सेम हो जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, वॉल्यूम कौन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो यही फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास क्या,
आर वन बाय में आर टू इज इक्वल टू वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा टी टू बाय में टी वन, और वही आर वन बाय आर टू किसके इक्वल है रूट ऑफ एम टू बाय में एम वन। अब देखो किसी एक न्यूमेरिकल में अगर हमको कोई दो गैसेस दे दी जाए, मान लो SO2 दे दिया O2 दे दिया, तो उनका मोलर वेट तो ऐसे निकाल सकते हैं, और टाइम टेकन निकालना हो, टाइम के बीच में रेशियो निकालना हो डिफ्यूजन में, तो हम लोग T2 by T1 equal to root of M2 by M1 आराम से यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर मान लो डेंसिटी दे दिया जाए तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे T2 by T1 equal to root of D2 by M1, सिंपल ठीक है। चलो अब उसके बाद अगर मैं क्या कर दू, अगर मैं जो टाइम टेकन है फॉर डिफ्यूजन, टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन है वो क्या कर दू मैं कॉन्स्टेंट कर दू, वो क्या कर दू कॉन्स्टेंट, तो क्या हो जाएगा आर वन बाय आर टू, तो ये जो टी टू बाय टी वन है ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि तो कॉन्स्टेंट हो गया, क्या हो जाएगा वी वन अपॉन में वी टू, और वो किसके कुल हो जाएगा रूट ऑफ एम टू अपॉन में एम वन, वो किसके कुल है रूट ऑफ डी टू अपॉन में डी वन, क्लियर है ओके। और एक हमने लास्ट में फॉर्मूला क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो आर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, और आर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो हमने कुछ एक ये फॉर्मूलास पढ़े, फिर बिगिनिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो आर है इट इज इक्वल टू वी बाय में टी, या फिर आर इज इक्वल टू क्या था एल बाय में टी, एल क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिफ्यूज गैस, या फिर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बाय में टी हो जाएगा, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। अब देखो मान लो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दिए हैं और टाइम दिया है और इस डिफ्यूजन का क्या पूछा है रेशियो पूछा है, तो आर वन बाय आर टू किसके इक्वल हो जाएगा एन वन बाय में एन टू इन टू टी टू बाय में टी वन हो जाएगा। फिर यहां पर अगर डिस्टेंस दिया आप लोगों को तो R1 by R2 is equal to L1 by L2 into T2 by T1, और ये तो हमने पढ़ ही लिया R1 by R2 is equal to V1 by V2 into T2 by में T1, क्लियर था नहीं है, तो ये कुछ एक हम लोगों ने फॉर्मूला यहां पर अच्छे से स्टडी किए। अब एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो एक क्वेश्चन आपके पास, क्या निकालना है अपने को क्या निकालना है रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन्स ऑफ SO2 एंड O2। मान लो आपको दो गैस दी है, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस दी है और एक ऑक्सीजन दी है, और उन दोनों गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का हमको क्या निकालना है रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल सा है, क्या आपको गैसेस दी है इसका मतलब आप लोगों को उनका मॉलिक्यूलर मास पता है, जो मॉलिक्यूलर मास है किसका SO2 का कितना होता है सल्फर का 32 और O2 का भी 32, तो टोटल कितना हो गए 64, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 वो कितना होता है 32। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ठीक है वो मॉलिक्यूलर वेट से कैसे रिलेटेड है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, या फिर मैं लिख दूं R1, अब R क्या लिख दूं मैं SO2 अपॉन में R ऑफ O2, यही पूछा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 एंड O2, SO2 ऊपर ले रहा है O2 नीचे ले लिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ m। अब देखो SO2 ऊपर लिया है तो जो SO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो नीचे ले लोगे, और O2 नीचे लिया है तो उसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर ले लोगे, ठीक है क्या जाएगा वो आ जाएगा रूट ऑफ MO2 कितना है 32, MSO2 कितना है 64, यानी 1 बाय 2, तो 1 का रूट 1 अपॉन में रूट 2, आंसर क्या गया 1 अपॉन में रूट 2, सिंपल क्लियर है। तो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे लेकिन उसके लिए आपको ये सारा फॉर्मूलाज है अच्छे से याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, घटना नहीं है समझ में आना चाहिए, ठीक है एक बार इसको उतार लो फिर हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए कुछ एक क्वेश्चंस हैं सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आपको यहां पर क्या दिया प्रेशर दिया है, अभी क्या पढ़ा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हमने क्या पढ़ा था कि जो आर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, एंड आर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नीचे क्या दिया डेंसिटी, तो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी अगर कंबाइन कर दे तो आर क्या आ जाएगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी। कौन सा ऑप्शन है यहां पर है पी बाय में स्क्वायर रूट ऑफ डी, फर्स्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सिंपल था। अब आगे देखो सीपीएमटी 1995 में एक क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ टू गैसेस आर इन द रेशियो ऑफ 1:16, मान लो आपको क्या दिया है d1 बाय में d2 दिया है कितना है
वन अपॉन में 16 दिया है। द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन इज, तो देखो ध्यान से हमको क्या पता है, आर वन बाय आर टू डेंसिटी से कैसे रिलेट है, रूट ऑफ डी टू बाय में डी वन, ये तो है। तो अब देखो डी टू कितना है, 16 है, और डी वन कितना है, 1 है, तो डी टू बाय डी वन कितना होगा, 16 बाय 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 16 बाय में 1, ठीक है। अब 16 का रूट करोगे तो कितना आएगा, 4, और 1 का रूट कितना आएगा, 1, तो रेशियो कितना जाएगा, 4:1 आ जाएगा, क्या जाएगा, 4:1, सिंपल था। एनसीईआरटी 1972 का एक क्वेश्चन है, द रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस, एक गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया 98 एज कंपेयर टू हाइड्रोजन विल बी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, द रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, इस टाइप के क्वेश्चन देता है। तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से, हमको पता क्या है, मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को मॉलिक्यूलर वेट से अगर हम लोग रिलेट करें तो क्या फॉर्मूला है, R1 by में R2 is equal to root of M2 by में M1, ये तो फॉर्मूला। अब अगर मैं M1 मानूं किसको, ये जो आपको गैस दिया जिसका मॉलिक्यूलर वेट 98 है, तो उन्होंने क्या पूछा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो R1 1 किसको माना है, मैंने इस गैस को माना है, तो M1 कितना हो जाएगा, M1 हो गया आपके पास कितना 98, और उसने बोला एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, M2 ले लो हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है 2, अब 2 by 98 कितना होगा 1/49, तो आपके पास क्या जाएगा रूट 1/49, 1 का रूट 1 और 49 का रूट कितना हो जाएगा 7, तो आपका आंसर क्या आ गया 1:7 आ गया, आंसर क्या आ गया 1:7। अगर यहां पर अगर आपको यहां पर ऑक्सीजन का देता तो क्या कर देते 2 की जगह यहां पर क्या कर देते 32, तो 32 अपॉन में क्या हो जाता 98 हो जाता, फिर उसको 2 से डिवाइड करते आता 16 अपॉन में 49, ठीक है। अब 16 का रूट कितना होता है 4 और 49 का कितना होता है 7, तो हमारा आंसर क्या आ जाता 4/7 या फिर 4:7, समझ आ गया आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, एक बार इसको उतार दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आईआईटी 1988 में आया हुआ है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, क्या बोलता है, ए बोटल ऑफ ड्राई अमोनिया एंड ए बोटल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड कनेक्टेड थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब आर ओपन साइमल्टेनियसली एट बोथ एंड्स। तो देखो ध्यान से कि मान लो आपके पास एक बोटल है, आपके पास एक बोटल है, कौन सी, इसके अंदर क्या है ड्राई NH3, और आपके पास एक बोटल है, इसके अंदर क्या है ड्राई HCl। अब ये दोनों बोतल है आपस में एक लॉन्ग ट्यूब से कनेक्टेड है, एक लॉन्ग ट्यूब से कनेक्टेड है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि दे आर ओपन साइमल्टेनियसली एट बोथ एंड्स, ये दोनों एंड से क्या इसको साइमल्टेनियसली ओपन किया गया, फिर द व्हाइट अमोनियम क्लोराइड रिंग फर्स्ट फॉर्म्ड विल बी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि जो NH3 है HCl के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH4Cl, कौन से कलर का होता है ये, व्हाइट कलर का होता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब कहते हैं कि ये रिंग कहां पे फॉर्म होगी, ऑप्शन में क्या बोला है, एट द सेंटर ऑफ ट्यूब, मान लो ये जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, सेंटर ले लेते हैं ट्यूब का, ठीक है। तो पहले देखो देखते हैं कि भाई बात कहने का मतलब है कि जब दोनों एंड ओपन किए जाएंगे साइमल्टेनियसली तो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, क्योंकि हम लोग कोई प्रेशर तो लगा ही नहीं रहे। अब डिफ्यूजन है तो यहां पर कौन सी गैस है, अमोनिया, और अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 14 प्लस में 3 कितना होता है 17, और HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 क्लोरीन का 35.5, यानी आपका हो गया 36.5 होगा। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के, यानी जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, उसका जो डिफ्यूजन है वो क्या होगा, स्लो होगा। अब देखो यहां पे कि जो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम है, तो उसका जो डिफ्यूजन है वो क्या होगा, फास्ट होगा, तो फास्ट होगा तो क्या होगा कि जो अमोनिया है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अमोनिया क्या करेगी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और जो HCl है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा करेगा। तो यहां पर मान लो आ गए और यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, रिएक्ट करके व्हाइट अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो अब क्या है, पहला ऑप्शन क्या, एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब में फॉर्म होगा, नो, नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बोतल, बिल्कुल हाइड्रोजन क्लोराइड बोतल के नजदीक है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है।
तीसरा है नियर द अमोनिया बॉटल, नो। चौथा है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्यूब, नो। इसका आंसर क्या आएगा कि द व्हाइट अमोनियम क्लोराइड रिंग विल फर्स्ट फॉर्म नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बोतल। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि जो गैस हैवी होती है उसका जो डिफ्यूजन होता है वो स्लो होता है, और जो गैस लाइट होती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उसका डिफ्यूजन क्या होता है, फास्ट होता है। तो ये उसी के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छे से उतारो इसको एक बार। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मणिपाल 2001 में आया हुआ है। क्या आया हुआ है, इफ द फोर ट्यूब्स ऑफ ए कार, तो कार के चार टायर हैं, उनकी जो ट्यूब्स है दे आर फिल्ड टू द सेम प्रेशर विद N2O2H2 and CO2 सेपरेटली, देन विच वन विल बी फिल्ड फर्स्ट। बड़ा इजी था, इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन है कि इसका ज्यादा होगा जो गैस क्या होगी, लाइट होगी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। तो देखो N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32, और O2 का भी, N2 का कितना होता है 28, 14 into 2, 28, O2 का कितना होता है 32, H2 का 2 and CO2 का कितना 44। तो किसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, H2 का मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो फास्ट होगा, तो इसका मतलब वो ट्यूब है सबसे पहले भरी जाएगी, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इन्होंने तो क्वेश्चन पूछा है, तो रेट ऑफ क्या पूछ लू, डिफ्यूजन पूछ लू। अगर हम इसका ऑर्डर निकाल लें तो कौन सी गैस सबसे पहले फिल होगी, H2 गैस सबसे पहले फिल होगी, और H2 के बाद कौन फिल होगा, N2 फिल होगा, N2 के बाद कौन फिल होगा O2, और O2 के बाद फिल कौन सा होगा CO2। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो केरला CEE 2003 में एक क्वेश्चन आया है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या दे दिया, आइडेंटिकल यानी कॉन्स्टेंट दे दिया, द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 गैसेस, यानी R ऑफ O2 अपॉन R ऑफ CO2 इन्होंने पूछा है ना, और कुछ दिया नहीं, तो इसने आपको गैसेस दी है, तो इन गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट तो आपको पता है, तो RO2 by RCO2 किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ऑफ M2 by M1, यानी M ऑफ CO2 अपॉन M ऑफ O2। क्लियर है, पढ़ा था हम लोगों ने, कहां पर है ये ना, यहां से निकल जाएगा, देखो R1 by R2 equal to root of M2 by M1, सिंपल हो गया अब तो ये, है ना। तो देखो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44, और O2 का कितना है 32। अब 44 और 32 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो मान लो चार के ऊपर करें तो कितना आएगा, यह आएगा रूट ऑफ 11/8 आएगा। अब देखो 11/8 को सोल्व करके उसका रूट निकालना, अब आपको हार्डवर्क नहीं करना, आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। क्या देखो ध्यान से, 11/8 करोगे, न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 point something आएगी, तो 11.8 आई थी, कुछ वैल्यू आती है रूट ऑफ 1.375 कुछ आती है। अब 1.375 का अगर आप रूट करोगे तो कितना आएगा, 1 का रूट कितना आता भाई, 1 आता है, तो 1.37 का रूट क्या आएगा, 1 point something। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है 0.87, गलत हो गया। दूसरा है 1.17, सही हो सकता है। तीसरा 8.7, अरे तो बहुत ज्यादा हो गया, नहीं 1 point something आना चाहिए। चौथा है 0.117, रॉन्ग है। और फिफ्थ है 11.7, वैसे रॉन्ग है। तो स्मार्ट वर्क किया, कैलकुलेशन बड़ा इजी हो गया, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 1.17, ये जाएगा 1.17। तो देखा आपने कितने सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है ना, ओके। अच्छे से अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप न्यूमेरिकल बड़े इजीली कर सकते हो, ठीक है, पक्का, तो एक बार इसको उतार लीजिए।